संभाल के संभाल के। साहब साहब ये देखो। हाँ? Amazing! ये कम से कम 800 साल पुरानी होगी। मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक निकला कि यहाँ कहीं ना कहीं राजपूतों का इतिहास था। I think we'll make a revolution. रीमा, अरे जल्दी आओ बेटा, जल्दी। कितनी पुरानी और खूबसूरत मूर्ति मिली है। आई एम श्योर हमें यहाँ पर और बहुत कुछ मिलने वाला है। ओह नो अंकल, यानी कि हमें यहाँ पर कुछ और दिन रहना पड़ेगा। अंकल ऐसा ना हो कि इतिहास ढूंढते ढूंढते हम खुद ही एक इतिहास बन जाए। देखा तोमर, एक हिस्ट्री ऑनर्स की स्टूडेंट ऐसा कह रही है। भाई हमने तो तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया था कि तुम अपने थीसिस के लिए आओ, यहाँ देख लो, कुछ सीख लो। श्योर अंकल, लेकिन इन किताबों में और इन खंडरों में ना बहुत फर्क होता है। आई थिंक आई शुड हैव टेकन इंग्लिश लिटरेचर इंस्टेड। बेटा हिस्ट्री खंडरों में ही मिलती है। पता नहीं किस दीवार के पीछे कौन सा सदियों पुराना राज छुपा। लो शुक्रिया। है ना खूबसूरत? किसी सैनिक का कंकाल है, लेकिन इसे यहां क्यों और किस लिए दफनाया गया? It's so sad. मुबारक हो सर, एक और खोज आपके नाम। Amazing! I've never seen a thing like that. Oh my God! Oh, oh, oh! Oh my God! अरे ये क्या है?
देखो देखो जल्दी जल्दी लाइट लाओ लाइट लाओ दिखाओ ये ओह माय गॉड ये तो हजारों साल पुरानी लिखाई लगती है लेकिन लेकिन इस ताबूत में ऐसा क्या है कि जिसकी रखवाली के लिए शायद शायद उस सिपाही को जिंदा दफना दिया गया था तो उमर ये सब रहने दो और इस ताबूत को खोलने में मेरी मदद करो मैं देखना चाहता हूं कि इसके अंदर क्या है अरे उठा के यहां रखो सबसे सनसनीखेज डिस्कवरी पर है अ लिंक बिटवीन इंडियन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन तोमर कहीं ऐसा ना हो कि इसके पीछे भी सांप निकले तोमर तोमर तुम जल्दी से इस ताबूत को ऊपर फोर्ट के रूम में पहुंचाने का इंतजाम करो मैं इसकी रिपोर्ट बनाकर डिपार्टमेंट को देना चाहता हूं और फिर जल्द से जल्द इस मम्मी को म्यूजियम में सजाना चाहता हूं दुनिया को दिखाने के लिए और हां हां तुम वो तुम्हारा प्रोफेसर है ना लैंग्वेज एक्सपर्ट क्या नाम है डॉक्टर रावत को बुलाओ मैं उनसे पढ़वाना चाहता हूं कि इसमें क्या लिखा है शायद इसे पढ़ने में वो हमारी मदद कर सके हैं मदद करो इसको बंद करो और जल्दी ऊपर पहुंचाओ कम ऑन ओह माय गॉड आई एम सो एक्साइटेड एक ऐसा अतीत जो मेरा भविष्य बनाएगा बेटा तोमर अगर इस बार तेरी यह खबर सही निकली तो तुझे मैं मुंह मांगा इनाम दूंगा मलीशा सेठ तुम ये जरूर सोच रहे होगे कि इतनी बड़ी खबर लेकर तोमर सीधा तुम्हारे पास क्यों आ गया है ना वो इसलिए क्योंकि मैं ये जानता हूं कि इस पूरे इलाके में सिर्फ तुम ही ऐसे एक पुराने खजाने के व्यापारी हो जो उस मम्मी को विदेश में बेचकर बहुत सारा पैसा इकट्ठा कर सकता है और जहां तक रहा इनाम का सवाल तो उसका ऐसा मिलीशा सेठ कि इस बार मुझे इनाम नहीं चाहिए मुझे हिस्सा चाहिए और वो भी आधा यानी कि पूरा 50% पूरा 50% यानी कि सौदागर से सौदेबाजी लेकिन बेटा तोमर मैं पहले तेरे उस अजूबे को देख तो लूं बड़े शौक से लेकिन उसके लिए हमें रात का इंतजार करना होगा सोने से लदा हुआ मम्मी हमारा इंतजार कर रहा है आ जाओ जल्दी आ जाओ बस डर दो अब सही आएगा सब जाओ ड्राइवर को देख के लाओ